सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों आज जो हम आपके लिए सेशन लेकर आए हैं वो बेस्ड है एमएलएम कंपनीज के लिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये कह लीजिए नेटवर्क बेस्ड कंपनी जितनी भी होती है, इन कंपनीज में किस तरीके से हमें एंटर करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या क्या बातें हमें पहले पता होनी चाहिए, इन सब बातों के लिए मैं हमारे कैंडिडेट को लेकर आया, मिस्टर रामदेव भाटी। मिस्टर रामदेव भाटी, मैं आपको मिलाना चाहूंगा यहाँ पर काजल से। काजल इज ऑल्सो अकॉम्पनिंग इन दिस इंटरव्यू सेशन। और रामदेव भाटी, आज हम आपसे एमएलएम बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस पूछेंगे, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने कितनी कंपनीज में काम किया। सर, मैंने अभी तक एमवे में और एमआई लाइफ में और उमंग नाम की कंपनी में काम किया है। ओके, तो और आपको क्या लगा, मींस अगर हम कंपेयर करें तीनों में, तो अभी तक बेस्ट कौन सी रह रही है आपके लिए? सर, हर कंपनी का एडवांटेज अपना डिसएडवांटेज होता है। आपके कहने का मतलब है नेटवर्क कंपनीज कोई बुरी नहीं होती। ओके ओके, सबके अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज। जी सर, जी सर। तो आप मुझे ये बताइए कि इस समय आप कौन सी पसंद करते हो और क्यों? सर, अभी मैं एमआई लाइफ ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि सबसे पहला तो ये है कि एमवे नो डाउट बढ़िया है, पर वो सबसे अभी जो चल रहा है उसमें ये है कि वो विदेशी है। ओके, सबसे बड़ा हॉट पॉइंट यही है अभी, क्योंकि ये वो विदेशी है और ये एमआई लाइफ ये अपने आप स्वदेशी है। बिल्कुल, हमें अपने नेशन की केयर ज्यादा करनी चाहिए, अपना पैसा अपने देश में ही रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और आप एमआई लाइफ से खुश हैं? जी सर, इसके प्रोडक्ट हैं वो मतलब अमेजिंग प्रोडक्ट हैं और अमेजिंग रिजल्ट है उनका। इसमें ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिसमें यानी शुगर इतनी लाइलाज बीमारी है, उसको भी इलाज नहीं है। सही बात है, उसका भी इलाज है। 6 महीने में ये जड़ से खत्म कर देता है। इसके ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, रियली प्राउड ऑफ। चलिए मुझे ये बताइए कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस क्या चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज पर? सर, शुरू में जब नेटवर्क मार्केटिंग भारत में आया था तो लोग बहुत से नेगेटिविटी फैली थी, ये है वो है, क्रिप्टोकरेंसी की तरह। जी 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 जी। और सर, लोगों ने इसका एडवांटेज भी यानी मिसयूज भी खूब किया। हाँ, राइट। लोगों को खूब ठगा, पर अब ये इस पे 2016 से रामविलास जी पासवान जो अपने अब तो नहीं रहे सर, तो उन्होंने इस पे एक कुछ आर्टिकल लिखा था। और ठीक है, तो अब नीति आयोग के जो बैनर्जी सर हैं वो भी कह रहे हैं कि भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है ये सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है, तो इस पे भी कुछ होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग अपनी सरकार सोच रही है इसके लिए कानून बनाने के लिए भी। और अभी ये जो इंडस्ट्री है ये 3000 करोड़ बिजनेस कर रही है पर ईयर। ठीक है, और ये 2025 तक 60,000 करोड़ तक होने वाला है। ओके, नीति आयोग के सर, बिग बिजनेस आई। जी 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 सर। अच्छा, एक बाइनरी सिस्टम होता है इसमें? जी सर। क्या होता है इसमें? सर, बाइनरी सिस्टम में सर जैसे आप हैं, आपके अंडर में दो लेग्स चलेंगी, ए और बी। उसमें जैसे 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 मान लो इंट्रोड्यूस करते रहेंगे और उसमें आप दो से ज़्यादा उसमें नहीं जोड़ सकते, तो मतलब आपका जो आपके जो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, तो आप उसको अपनी डाउनलाइन के अंडर में ही ज्वाइन करवाना पड़ेगा। ओके ओके, मुझे ये बताइए कि कौन ज्वाइन कर सकता है पर्टिकुलर जो एमएलएम बिजनेस है, किस एज ग्रुप में या किस तरीके के व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहिए? इसका सर एज ग्रुप कोई फाइनल नहीं है, फिक्स नहीं है, ये आप 18 साल वाले भी कर सकते हैं। इसमें बस एक ही है कि एडल्ट होना चाहिए। ओके, ठीक है, एडल्ट होना चाहिए और इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, ये 18 साल वाले भी कर सकते हैं और लोगों ने 80 साल में भी शुरू किया है। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, और मेल फीमेल का कुछ नहीं है, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, जॉब में हो, सैलरीड हो, कैसे भी कोई भी बंदा इसको कर सकता है। ओके, और क्या क्वालिटीज चाहिए अगर आपको इसमें सक्सेस पानी है तो? सर, क्वालिटी कुछ नहीं, बस एक एम्बिशियस होना चाहिए बंदा। ओके, हाँ, और एक खुले आंख से सपने देखने वाला आदमी होना चाहिए। ओके, जिसको अपने मतलब उसको जिंदगी जीनी हो और जिंदगी काटनी ना हो। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, कुछ ये बता सकते हैं कि एमएलएम जो बिजनेस है किस तरह के लोगों को नहीं करना चाहिए? वही सर, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि एमएलएम उन बंदों को नहीं करना चाहिए जो अकेले रहना पसंद करते हैं। okay. या फिर उनमें ईगो बहुत होता है। right, ठीक right. है, एक जो फ्रेंडली नहीं होते, मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं, और जो बंदे पैशनेट ना हो और ओपन माइंडेड ना हो तो वो ये बिजनेस नहीं कर सकते। ओके, और मेरा मानना है कि जिसमें पेशेंस भी बहुत जरूरी चाहिए। जी सर, जी सर, right? हाँ, पैशन से बिना तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, राइट राइट, बहुत बढ़िया आप बताए जा रहे हैं हमें। चलिए मुझे ये बताइए कि ये सर्च कैसे करते हैं कि ये एमएलएम कंपनी सही है ये गलत है, मींस लोगों को कैसे बेनिफिट कैसे मिले इस चीज़ का?
सर पहले तो जो भी कंपनी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके सर्टिफिकेट के बारे में देखिए, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स को पहले चेक कीजिए, ओके, और एक जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो उसी में आप मतलब विश्वास कीजिए। अगर मान लो कोई कंपनी कह रही है कि भाई हम आपको पैसे से पैसा बना के देंगे, तो वो लास्ट में चीट ही करके जाएगी, ठीक है। जो प्रोडक्ट बेस है कंपनी और जिसका पहले से बिजनेस स्टेब्लिश है जो, तो वो आपको बढ़िया बेनिफिट देगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर सुनने वाले हमारे जो स्टूडेंट होंगे उसमें कुछ अनएम्प्लॉयड बच्चे भी होंगे जी। जो हो सकता है सर्टिफिकेट्स वगैरह तक ना पहुंचे जी। तो कोई ऐसे एग्जांपल्स के साथ बता सकते हैं कुछ ऐसी कंपनीज जो जिन्होंने ऐसा किया हो कभी? जी सर, मेरी जानकारी में है 3-4 कंपनियां, जैसे एक ड्रीम वर्ल्ड हुआ करती थी, उसमें अमाउंट भी बहुत बड़ा हुआ करता था, उसमें गैश मनी दी जाती थी, पर वो यानी उस टाइम में उसका बूम था, पर आज की डेट में वो गायब है। What do you mean by guest money? गेस्ट मनी मीन्स जैसे मान लो कोई बंदा है, उसको वो अपने साथ किसी दूसरे को लेके जा रहा है, okay. तो उसको उसको पर हेड एक जैसे मान लो अमाउंट इकट्ठा होता था, उसको जितने गेस्ट आए उसके हिसाब से डिवाइड करके उनमें बांट दिया जाता था। ओके okay. और गेस्ट का कुछ पैसा लगता था? गेस्ट का नहीं, गेस्ट का कुछ नहीं लगता। ओके मींस गेस्ट लाने के पैसे मिलते थे जी। तो वो कंपनी फ्रॉड थी जी। क्योंकि सिर्फ मनी में बेस कर, सिर्फ मनी में जो डील करेगा वो कोई और कंपनी जी। सर एक स्टॉक ग्रू और थी, उसमें भी 6 महीने में पैसा डबल करने का झांसा दिया जाता था, और एक गोल्डन फॉरेस्ट थी, उसमें भी आगे से आगे जोड़ने पर वो पैसा मिलता था। मतलब जो सिर्फ पैसे में डील करता है तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जो कंपनीज है जैसे फॉरएवर या आरसीएम वगैरह, जी, ये प्रोडक्ट्स बेस्ड जी, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और जिस और वो प्रोडक्ट जो अपने अपने भारत में जो बन रही है कंपनियां, जो भी बना रही है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग बना रही है। ओके, जैसे एमवे नाम की कंपनी है, वो बहुत उसके प्रोडक्ट भी सुपीरियर है, पर वो क्या है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। वो क्या कंसंट्रेट फॉर्म में है, उनको फिर डाइल्यूट करके यूज करो, तो इतना भारत के भारत वालों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो अगर मान लो अपनी देश की कंपनी हो जैसे एमआई लाइफ है, ठीक है, वो इंडिया के कस्टमर के बेस के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो उसमें वो सब क्वालिटी के प्रोडक्ट है इसमें, और इसमें फुल रेंज है। जी सर, काजल आप कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहेंगे? यस सर, श्योर सर। आप मेरे को अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बता सकते हैं? जी मैम, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं हर यानी बहुत फ्रेंडली हूँ, और मैं नए नए लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, और मेरे को घूमना भी बहुत पसंद है, तो ये सारा मुझे बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है, ठीक है। चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई पर्सन है और यंग ब्लड है, 18-19 साल का लड़का है, और एमएलएम में आना चाहता है, तो वो सक्सेस कैसे पाए, उसको क्या करना चाहिए? एमएलएम तो उसे ज्वाइन कर ली जी। अब क्या करना चाहिए उसको आपके हिसाब से? सर पहले उसको फील्ड में जाने से पहले उसको नॉलेज गेन करनी चाहिए, ठीक है, और इसमें जिस नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कोई एजुकेशन सिस्टम जुड़ा हो तो उसको जरूर फॉलो करें। ओके, और जो अपनी अपलाइन है जैसे भी जिसने ज्वाइन करवाया उसको, उसके कहने पे आंख बंद करके विश्वास करें और उसके उसको फॉलो करता रहे। okay. जैसे उस आप सक्सेस तभी हो सकते हो जब आप सक्सेसफुल बंदों के बीच में बैठोगे। बिल्कुल, बहुत ठीक है। आपको वही सिखा सकता है जो सक्सेस हुआ है, वो बताएगा कि मैं कैसे सक्सेस हुआ हूँ उस, और उसको नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, और उस आदमी से कभी राय नहीं लेनी चाहिए जिसने एमएलएम कभी नहीं किया हो। ओके, यस। आप अपना खुद का एग्जांपल दीजिए कि आप इस फील्ड में कैसे आए। जी सर, मैं कहना चाहूँगा मेरे फादर जॉब में थे बैंक में, तो फादर के पास कोई ऐसे मेरे अपलाइन थे, वो आए, और तब मैं 18 या 19 साल का हुआ करता था, ठीक है, तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं था पता, और मैं बोलने में भी बिल्कुल शाई नेचर, एकदम शाई नेचर का था, तो उन्होंने मुझे एमवे ज्वाइन करवाया, तो मुझे पता भी नहीं था कि मैंने ज्वाइन क्या किया है, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने एजुकेशन ली, और इस जो इसका एजुकेशन सिस्टम था उसके साथ जुड़ा, ठीक है, तब मुझ में थोड़ी क्वालिटी आई, और मैं थोड़ा बोलने भी लग गया, और लोगों से घुलना मिलना मुझे पसंद होने लगा, और उससे मेरे बिजनेस में भी थोड़ी ग्रोथ आई। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे फिर धीरे धीरे आपने प्रोग्रेस करी। तो आपको क्या लगता है, एमएलएम हमें पैसा तो देता ही है, इसके अलावा हमारी क्वालिटीज को भी बढ़ाता है क्या? जी सर, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत इफेक्टिव है ये, और ये आपको बताता है कि आपको मतलब लोगों से कैसे मिलना है, और हाई पोस्चर के साथ कैसे मिलना है, और ये बताता है कि हर आदमी को हर टाइम एक्साइटेड कैसे रहना चाहिए। ओके, चलिए ये तो भाई बहुत अच्छी बात बताई आपने अभी तक एमएलएम बिजनेस की।
कुछ एमएलएम के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है कि कई लोग इसकी बहुत बुराई करते हैं, बोलते हैं ये काम अच्छा नहीं है, लोगों को मेंबर बनाना, लोग आपकी कॉल्स उठाना बंद कर देते हैं, लोग आपको घर में बुलाते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं आप जब जाते हैं, तो ऐसा भी कुछ होता है? यस सर, ऐसा होता है। इसमें रेशो रहता है, जैसे एजुकेशन सिस्टम भी बताता है कि हर आदमी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। एग्री। इसमें अपने को जो अपने फ्रेंड सर्किल है, जो अपने जानकार है, उनकी लिस्ट बनाइए, सबको टच करिए बिना किसी को जज किए हुए कि ये करेगा ये नहीं करेगा। ओके, क्योंकि हम अपनी मेंटेलिटी पहले बना लेते हैं, अगर हाँ जी खुद की मेंटेलिटी से ये मत सोचो कि भी वो आदमी ये करेगा या नहीं करेगा। इसमें सब में ये एक मतलब बीज है जमीन में गड़ा हुआ, आप उस पर पानी दोगे तो कब कौन सा पौधा बड़ा हो जाए कुछ नहीं कह सकते। वंडरफुल। तो काजल क्या लगता है, रियल में एक टैलेंटेड पर्सन से हमें मिलने का मौका मिला, और हम अपने बच्चों को भी बोलना चाहेंगे जो भी भाई एमएलएम बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ रहे हैं, तो यू नो व्हाट यू आर बट यू डोंट नो व्हाट यू कैन बिकम। आपको ये तो पता है आप कौन है, मगर आपको ये नहीं पता आप क्या बन सकते हैं। तो एमएलएम बिजनेस अगर कोई व्यक्ति आता है तो आप कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे, उन्हें कुछ पॉइंट देना चाहेंगे? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि एमएलएम में आना है आपको तो मोस्ट वेलकम है, और इसमें एज ग्रुप का कुछ नहीं है। पर यही है कि आप जब भी बिजनेस करें तो फटाफट नहीं करें, इसको एजुकेशन सिस्टम के साथ बिल्ड करें, जो सिस्टम कहता है उसको फॉलो करें, ठीक है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल। एक साथ ऊपर छत पे चढ़ने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे, सीढ़ियों से चढ़ो तो सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू फॉर सच ए बिग नॉलेज, रियल में थैंक यू, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।